तो आप सभी का मेरे चैनल में दोबारा से स्वागत है। तो आज रांची कांटा टोली बस स्टैंड आए हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रांची से आप मालदा डाक बंगला कैसे जाए जो बंगाल में पड़ता है। तो आइए इनके बुकर से बात करते हैं। जा पूछ के भैया, रांची से कहाँ जाती है गाड़ी आपकी? रांची से मालदा टाउन। मालदा टाउन कौन कौन रूट होकर जाती है, कहाँ कहाँ जाती है मालदा और कहाँ कहाँ जाती है गाड़ी? धनबाद, बोकारो, वाया रामगढ़, उसके बाद दुमका। दुमका, दुमका के बाद? दुमका के बाद पाकुड़। पाकुड़, पाकुड़ भी जाती है? हाँ, उसके बाद धुलियान। धुलियान, डाकमंगला धुलियान। ठीक, उसके बाद फरक्का। फरक्का, उसके बाद मालदा। थोड़ा आप जोर से बोलेंगे तो बहुत सही रहेगा, हमारे ऑडियंस सुनेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो रात को कितनी बजे आपकी बस खुलती है? रात को यहाँ से 7:30 में छूटती है। रात को 7:30 में खुलती है, वहाँ सुबह 7 बजे पहुँच जाती है। 7 बजे मॉर्निंग पहुँच जाएगा। मालदा का भाड़ा कितना हुआ? यहाँ से सीट में 500 है, स्लीपर 550। और पाकुड़ का? पाकुड़ का भी वही है, सेम है, सेम भाड़ा है। हाँ। और अमड़ा पाड़ा, लिट्टी पाड़ा जाती है गाड़ी? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का भाड़ा कम होता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का भाड़ा कम होता है, क्योंकि हम मान लेते हैं पाकुड़ हम पहुँचते हैं तो वहाँ से हमको सुबह में सवारी नहीं मिलता है। जो भाड़ा है वो सेम रखा गया, 550 रुपये में मालदा पाकुड़ डाकबंगला पहुँचा देते हैं। ठीक है ना? 2x1 है, 1x2 आपकी गाड़ी? 2x2 गाड़ी है। सीट वाली, स्लीपर वाली? स्लीपर गाड़ी, स्लीपर नीचे सीट, ऊपर स्लीपर। स्लीपर गाड़ी। एसी गाड़ी है कि नॉन एसी गाड़ी? नॉन एसी गाड़ी जी। ठीक है, आप का डिमांड नहीं है तो एसी भी चलाया जाएगा। एसी का डिमांड नहीं है? एसी का डिमांड नहीं है उस रूट में, एसी का डिमांड नहीं है, लोग भाड़ा नहीं दे पाते हैं, इस कारण हम लोग भाड़ा कम रखे हैं। वाजिब अगर भाड़ा रखा जाए तो मालदा का 700 रुपया भाड़ा होना चाहिए, है ना? लेकिन लोग भाड़ा नहीं दे पाते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं और थोड़ा सा मतलब कि भाड़ा नहीं दे पाने के कारण ही थोड़ा सा माइनस करके हम लोग भी चल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा आप हमारे पंकज भाई से सुने कि नॉन एसी गाड़ी चल रही है, अगर लोगों की डिमांड रहेगी तो एसी भी गाड़ी चलेगी। तो पूरा जानकारी आपको दे दिए, क्या भाड़ा है, कितना बजे खुलता है, कितना बजे पहुँचाता है। तो ये रहा आउटर एरिया बस का, आपको अंदर से भी बस दिखाते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बस को अंदर से और बाहर से दिखाते हैं कैसा दिखता है बस। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको रांची से कहां जाने वाली वीडियो देखनी है, कौन सी जगह का वीडियो देखनी है, मैं उस वीडियो बनाऊंगा।